नमस्कार, हमारा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हम अपने बकायती का दूसरा भाग लेकर के आए हैं और दूसरा भाग बहुत ही रोमांचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अंतिम तक जरूर हमको सुनिएगा। तो भाई बात ऐसी है कि आजकल ना जो है तो पैशन फॉलो करने का एकदम फैशन बन गया है, है? आप लोगों में से कुछ लोग एक्टर बनना चाह रहे होंगे, हैं, कुछ लोग राइटर बनना चाह रहे होंगे, कुछ लोग पेंटिंग वेंटिंग करते होंगे, हैं, कुछ लोग बाथरूम में घुस के गाते होंगे, कुछ लोग शीशे के सामने नाचते होंगे, है कि नहीं, है? कुछ लोगों को खाना बनाने का शौक होगा, लेकिन खाना बनाने का जो शौक है ना वो बड़ा अच्छा शौक होता है। कम से कम आदमी अपना पेट तो भर ही लेता है, किसी और का पेट भरे चाहे ना भरे, है? तो देखिए मुद्दे की बात ऐसी है, तो ये सब तो जो हम अभी आपको पैशन बताए हैं वो फैशन वाले पैशन हैं कि उनको सब लोग करना बड़ा बहुत अच्छा लगता है और अगर आदमी सक्सेस हो जाता है तो उसमें समाज के लोग भी बहुत साथ देते हैं। शुरू शुरू तो लोग गरियाते हैं कि राम गोपालवा का लड़का जो है तो एक्टर बनने गया है, हाँ देखते हैं कितना एक्टर बन लेता है। लेकिन अगर वो राम गोपालवा का लड़का अगर एक्टर बन गया, ऐसे ही बहुत लोग अगर एक्टर राइटर बन गया तो उनका बड़ा नाम हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि मान लीजिए समाज में ऐसे लोग हैं जिनका पैशन कुछ अलग ही हो, है? मान लीजिए किसी को भैंस चराना बहुत पसंद हो, वो क्या करे? किसी को बकरी चराना बहुत पसंद हो, वो क्या करे? किसी को गाय लगाना बहुत पसंद हो, वो क्या करे? अच्छा भैया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि साइकिल के पीछे पीछे ऐसे 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 करके टायर घुमाना बहुत पसंद था, वो क्या करे? क्या ये पैशन नहीं हो सकता? क्या इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं? हमारा एक दोस्त था जो जिसको ना ट्यूब में पानी भरता था, ट्यूब में पानी भर के पता करता था कि पंचर कहाँ कहाँ है और फिर उसको पंचर बनाता था। घर के अंदर, घर में जितनी भी खाली ट्यूब थी सबका पंचर बना डाला था। ये उसका पैशन था, उसको करना बड़ा अच्छा लगता था। तो क्या इस तरह का पैशन, किस तरह का अजब गजब पैशन का लोग उसको अपना करियर नहीं बना सकते हैं? सोचिए जरा। अगर हम अपनी कहानी बताते हैं, हम जब छोटे थे तो हम अपने बड़े पिताजी से कहा करते थे कि हम अमेरिका जाएंगे। तो कहते थे अमेरिका जाओगे? बड़ा अच्छा यार, अमेरिका जाओगे? नहीं, अमेरिका जाएंगे भैंस चराने, अमेरिका जाएंगे। अरे भैंस चराने अमेरिका जाएंगे? अमेरिका जाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन जहां ये भैंस चराना आ गया वहां हमारा प्रोफेशन जो है तो फैशन से अलग हो गया। कहते भैंस चराएगा? भैंस चराना कोई प्रोफेशन होता है? देखिए ये जो अजब गजब तरह के प्रोफेशन है, किसी को मिट्टी के साथ खेलना बड़ा पसंद हुआ करता था बचपन में। कोई पेड़ में चढ़ करके पेड़ की डाली हिला देता था तो सारे आम धड़धड़ा के गिर आते थे। किसी को बंदर भगाना बड़ा पसंद हुआ करता था, है? बंदर के पीछे कोकड़ो कोक करके भागते थे, वो क्या करे? ये भी तो एक फैशन हो सकता है ना, है? अब देखिए जैसे मान लीजिए किसी को भैंस चराना बहुत पसंद है तो वो आगे चल करके पशुपालन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जिसको मिट्टी खेलना बहुत पसंद है वो आगे चल करके खेती कर सकता है? क्या खेती एक अच्छा व्यवसाय नहीं हो सकता है? क्या पशुपालन एक अच्छा व्यवसाय नहीं हो सकता है? जिसको पंचर बनाना बड़ा पसंद था वो अपना साइकिल का दुकान खोल सकता है? क्या एक अच्छा व्यवसाय नहीं हो सकता है? तो देखिए एक्टर बनना या फिर राइटर बनना या फिर पेंटर बनना या फिर सिंगर बनना, डांसर बनना ही एक पैशन नहीं है। अलग अलग अजब गजब तरह के भी पैशन हो सकते हैं और आदमी इनको अपने व्यवसाय के रूप में आगे चल करके उनका पालन कर सकता है और उनसे धन कमा सकता है और अपना रोजमर्रा चला सकता है। तो आपके आसपास जो लोग हैं जो अलग अजब गजब तरह के पैशन रखते हैं तो उनका आप लोग साथ दीजिए और उनको ये नहीं कहिए कि ये कोई काम ऐसा है कि जो कोई नहीं कर सकता है, इसको नहीं करना चाहिए, ये गंदा काम है। सब कर सकते हैं काम, बस मन लगना चाहिए। तो आज की बकैती हमारी यहीं तक रही। कल अगली बकैती के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।